हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? हम लोग क्या सब अच्छे होंगे? तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से ड्यूअल एप्स कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं वीडियो की पूरी जानकारी की। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप है फ्रेंड जो आपको देखने को फॉलो करनी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्यूअल एप्स करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप को रहना। इस पर क्लिक करना है फ्रेंड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने ड्यूअल ऐप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पर पहले से ड्यूअल ऐप ऑलरेडी मूव हुआ है। इससे हम ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से ड्यूअल ऐप कर दिया है। उसके बाद सेकेंड पे जाएंगे। सेकेंड पे जाने के बाद यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, देखिए इसका ड्यूअल ऐप हो चुका है। पे फोन पे जाएंगे। पे फोन पे जाने के बाद देखिए फ्रेंड, आप इस पर ऑन करेंगे, इसका ही हमारा ड्यूअल ऐप हो चुका है। स्नैपचैट पर करेंगे, देखिए इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से फ्रेंड हमारे ड्यूअल ऐप हो चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फोन में बहुत सिंपल तरह से ड्यूअल ऐप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।